What's up guys, this is Yashraj and you're watching RJ Films. Welcome back to another video. तो आज की जो वीडियो है वो है एक ओनरशिप रिव्यू किस बाइक का. तो आज अपन ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं दी ऑल न्यू होंडा हॉर्नेट 2.0 का. तो एक ऑनेस्ट ओनरशिप वीडियो रहेगा, मतलब जो ओनर है वो उनसे अपन डायरेक्ट अभी बात करेंगे कि आपको इस बाइक में क्या क्या अच्छा लगा है और क्या क्या बुरा लगा है. साथ ही साथ बाइक में इनने मतलब इतना चलाया है, मतलब कितनी किलोमीटर से इनने अभी तक चलाई है बाइक ऑल ओवर, एंड क्या क्या इश्यूज़ आए हैं, हीटिंग इशू है कि नहीं है ज़्यादा चलाने पे, एंड सभी बात आज होंगी होंडा हॉर्नेट 2.0 के लिए. तो गाइस इस वीडियो में बने रहिए, और अगर ये आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. आपके राइट हैंड साइड में सब्सक्राइब बटन है, आप जाके डायरेक्ट साइड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपका सबसे पहले आए. तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो. तो गाइस मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ स्वप्निल भाई से, जो ओनर है होंडा हॉर्नेट 2.0 के. तो ये स्वप्निल भाई. हेलो. तो ये होंडा हॉर्नेट 2.0 के ओनर है. तो ये अपन को बताएंगे बाइक के बारे में सब कुछ, इनने क्या अच्छी क्या बुरी चीज़ फेस की है. तो अभी सबसे पहले अपन अच्छी चीज़ों की बात करें. तो स्वप्निल भाई, आपने क्यों बाइक ली है? क्योंकि ये बहुत प्यारी बाइक है लुक वाइज, और इसका इंजन भी बहुत प्यारा है. 180cc इसने इंजन दिया है, और गाड़ी बहुत प्यारी चलती है. मैंने टेस्ट ड्राइव दिया था, उसके बाद ही मैंने इसको लिया है. तो मुझे होंडा की गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने सबसे पहले हॉर्नेट देखा. अच्छा, तो बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बाइक का इंजन है वो बहुत ज़्यादा हीट करता है. तो आपने अभी तक कितना किलोमीटर बाइक चलाया है अभी तक? अभी तक मैंने एक दिन में ज़्यादा 300 किलोमीटर चलाया है, बट उसमें मुझे ऐसी कोई हीटिंग प्रॉब्लम तो समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने लॉन्ग एक दो गैप ही लिया है. मतलब आपने फिर भी कितना दूर एक बार में कितना कवर किया, मतलब किलोमीटर अभी तक? 300 किलोमीटर फुल स्टॉप बस लिया था मैंने, तो उसमें भी मैंने मतलब आप मेनली जहाँ रहते हो उधर, इधर से कितना किलोमीटर है जबलपुर से वो? 200. आप कहाँ रहते हो? छिंदवाड़ा. तो भैया छिंदवाड़ा में रहते हैं वो, आप कितनी बार छिंदवाड़ा ले जा चुके हैं बाइक? मैं इसको अभी दो बार ले जा चुके. तो भैया दो बार बाइक ले जा चुके छिंदवाड़ा. टोटल किलोमीटर कितना है जबलपुर से छिंदवाड़ा? 200 किलोमीटर समथिंग. एंड बाइक में आपको कंफर्ट कितना लगा? बहुत कंफर्टेबल बाइक है, कहीं भी ऐसा कुछ समझ नहीं आया मुझे रास्ते में गाड़ी चलाते वक्त. कंफर्टेबल तो बहुत है गाड़ी, कंफर्टेबल बहुत है. एंड पावर की बात करें तो पावर अच्छा दे रही है आपको? पावर तो बहुत अच्छा दे रही है, आप तो बहुत प्यारा है इसका. अच्छा, तो मैं आपको किलोमीटर्स भी दिखा देता हूँ, टोटल किलोमीटर्स क्या है. तो आप देखिए ये टोटल किलोमीटर्स का, तो 3085 किलोमीटर ये डन हो चुकी है बाइक लगभग 3 महीने में. एंड कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है बाइक में. अच्छा बाइक, कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा, जैसा भैया बता रहे हैं. ये खुद अपने अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि इनमें क्या क्या मतलब. और आपने मतलब इंजन हीटिंग इशू आया इसमें क्या? अभी तक नहीं आया इंजन हीटिंग इशू. नहीं आया अभी तक? नहीं आया. मतलब नॉर्मल हीट जैसा होता है वैसा होगा, बिल्कुल वैसा हीट नहीं आया. तो आपने सुन लिया इंजन हीटिंग इशू भी इनको भी नहीं आया है. एंड जैसे आपने लॉन्ग ट्रैवल किया तो आपको जैसे बैक में दर्द होता है इस टाइप से कुछ हुआ मतलब? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ समझ ही नहीं आया मुझे इस बाइक में, तो बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है. अच्छा, एंड साथ ही साथ अभी आपने इसकी सर्विसिंग कराई है क्या? हाँ, फर्स्ट सर्विसिंग हो चुकी है इसकी. सर्विसिंग में कॉस्ट कितना आया आपका? इसका कॉस्ट आया 700 से 800 का. तो सर्विसिंग में मेनली उनने किया क्या क्या है? सिर्फ उसने ऑयल चेंज किया है. सिर्फ ऑयल चेंज किया है. ऑयल चेंज किया है, और जो ये चैन वगैरह के लुब्रिकेंट्स वगैरह रहते हैं वो सब उसके चार्जेस पर. अच्छा, सिर्फ ऑयल चेंज किया है और चैन लुब्रिकेंट. अच्छा, मतलब टोटल 800 के अंदर हो गया है सर्विसिंग. हाँ, फर्स्ट सर्विसिंग. आपको फ्री सर्विसिंग कितनी दी इसके साथ? इसकी फ्री सर्विसिंग 3 है. एंड
जैसे आप सिंगल गए थे कि पिलियन के साथ? सिंगल तो भैया ने सिंगल राइड किया था, तो जैसा कि आपने सुना इंजन हीटिंग इशू, भैया बोले नहीं है, उनका एक्सपीरियंस है, अभी तो नहीं है, आगे चल के कहो हो जाए, अभी तो भैया कुछ फेस नहीं हुआ है। सर्विसिंग की बात रही तो सर्विस लगभग 800 के अंदर पड़ी है, जो कि नॉर्मल इतनी पड़ती है, 100 की मेरी भी इतनी पड़ती है। साथ साथ ये ABS है, ABS वेरिएंट है ना भैया? जी भैया। तो भैया का ये ABS आप देखिए, सिंगल चैनल ABS है इसमें, एंड अच्छी बाइक है। इसका जो लुक है काफ़ी अच्छा है, इसमें अपसाइड डाउन आपको आगे USD फोक्स मिल जाएंगे, आपको सस्पेंशन मिल जाएंगे, एंड आप देख सकते हो बाइक अच्छी बाइक है। एंड भैया अब बात करते हैं, मतलब भैया को अच्छी नहीं लगी चीज़ें, एंड क्या क्या चीज़ें आपको उसमें अच्छी नहीं लगी भैया? एक इशू आया है लाइट का। अच्छा, आपको सिर्फ इसमें भी लाइट का इशू आया है? तो लाइट का आपको क्या इशू आया इसमें? लाइट का इशू ये है कि इसको प्रॉपर वॉश नहीं हो पाई थी, तो प्रेशर जो तेज़ था वो, तो उस वजह से उसका जो अडाप्टर रहता है जो सीट के नीचे है वो शॉर्ट हो गया। अच्छा, सिर्फ वो शॉर्ट हुआ है तो उससे लाइट प्रॉपर जल नहीं रही है। तो एक इशू इनको आया है कि इनकी जो लाइट है उसमें प्रॉपर वॉश ज़्यादा पानी वानी चला गया था, पानी वानी चला गया था, तो उसके कारण इनकी लाइट एक बंद हो चुकी है। देखिए आप, ये इनकी लाइट चालू नहीं हो रही है, अपर वाली आपकी चालू नहीं हो रही है, डिपर अपर भैया की गाड़ी की लाइट चालू नहीं हो रही है। चालू होती है फिर बंद हो जाती है, जैसे अभी बंद है ये, अभी कुछ टाइम बाद जैसे गाड़ी थोड़ी चलेगी उसके बाद अपने आप ये चालू हो जाती है लाइट। अच्छा, मतलब आपकी गाड़ी ऐसे चालू रहेगी थोड़ी देर तक, थोड़ा हीट होगा उसका जो भी मतलब है, तो आपकी गाड़ी की लाइट ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी। अच्छा, एंड आपको इसका भी माइलेज आपको समझ में आया अभी तक? माइलेज तो मैंने ऐसा प्रॉपर चेक नहीं किया है, मगर हाँ बोल सकते हैं कि माइलेज फिर भी ठीक है, 50 प्लस बोला था शोरूम वालों ने, मगर 50 प्लस को निकाल रही है, 50 प्लस दे रही है। सबसे अच्छी बात क्या है, मतलब एक 200cc कैटेगरी की बाइक 50 प्लस माइलेज निकाल रही है, और क्या चाहिए। तो भैया को बिल्कुल कम्फर्ट लगी है, भैया के हिसाब की गाड़ी, मतलब भैया को कोई चीज़ से भी दिक्कत नहीं है, बस एक प्रॉब्लम आई वो है इसकी हेडलैम्प, इसकी हेडलैम्प में भैया को प्रॉब्लम आई है, एंड बाकी ना इनको हीटिंग इशू आया है ना ही कोई तरीके का प्रॉब्लम, सिर्फ इनकी हेडलैम्प धुलवाने के वजह से, वॉशिंग के वजह से कैसा वो नहीं पता, बट इनकी हेडलैम्प बंद हो गई है। एंड ये आप गए थे जब मतलब कंपनी आप गए थे बोलने सर्विस सेंटर, तो उन्होंने क्या बोला आपसे? उन्होंने यही बोला है कि ज़्यादा वॉश करने, ज़्यादा पानी जाने की वजह से वो शॉर्ट हुआ है। अच्छा, तो ये अभी आप वारंटी में है भी आपका? अच्छा, तो ये आपका सही होगा, सही करके देंगे वो करके देंगे, क्योंकि अभी उनके पास स्टॉक था नहीं उस चीज़ का, तो उन्होंने ऑर्डर मारा है, अब वो एक हफ्ते में आ जाए तो फिर चेंज करवा लेंगे। तो सिर्फ इसमें जो प्रॉब्लम आया है वो लाइट का इशू आया है, बाकी सब अच्छा है। भैया को सब चीज़ अच्छी लगी ना भैया आपको? हर चीज़ मुझे तो हर चीज़ अच्छी लगी है। और कोई इशू अगर आपको आया हो तो आप बता सकते हो? अभी तक तो कोई ऐसा इशू समझ नहीं आया है, बाकी देखते हैं। तो सर्विसिंग का भी ज़्यादा कॉस्ट आपको पड़ा नहीं है, 800 रुपीज़ में आपकी सर्विस हो गई है, और क्या चाहिए ऐसी बाइकों में, 800 ठीक तो है, नॉर्मल है। बस आपको जो इशू आया वो आया इसकी हेडलैम्प में, हेडलैम्प तो वो भी अभी कंपनी बोल रही है कि सॉल्व करके देगी। तो गाइस ये एक छोटी सी वीडियो थी जिसके थ्रू शायद अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि एक ऑनेस्ट रिव्यू है, मतलब मैं ऑनर से ही डायरेक्ट पूछ रहा हूँ इनको जो जो प्रॉब्लम इनने फेस की है, जो जो चीज़ नहीं, तो इनने प्रॉब्लम से एक फेस की है वो इसकी जो हेडलैम्प है ये बंद हो गई ऊपर अपर वाली, तो ये सॉल्व करके देगी कंपनी बोल रही है, सर्विस सेंटर में इनने बोला है। एंड ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद इनको बोले कोई ना, इसमें इनको ना हीटिंग इशू का प्रॉब्लम आया, जैसे बहुत से लोग हीटिंग इशू का भी लेके चले, मगर ऐसे हीटिंग इशू नहीं है, भैया बोल रहे हैं अभी फ़िलहाल में हीटिंग इशू नहीं है, बट आगे चल के कुछ कह नहीं सकते कहो हो। और ऑयल इसमें भी फर्स्ट सर्विसिंग में अंडर 800 रुपीज़ का कॉस्ट आया है फर्स्ट सर्विसिंग में। एंड ये रहा एक ऑनेस्ट रिव्यू, मतलब मैंने आपको बताया, एक भैया ने जो जो बताई है, इसके ओनर हैं, इनको 3 मंथ हो चुके हैं, 3000 प्लस बाइक चल चुकी है 3 मंथ में, एंड इसमें कोई भी हम लोग ने बीच में ऐसा कुछ नहीं बोला, मतलब जो सही है वही बोला, जो भैया ने फेस किया भैया ने बताया, अच्छी बातें ज़्यादा लगी, एक बुरी बात है बस, वो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस कैसी लगी है वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, कॉमेंट करना, शेयर करना, और अभी चैनल में आप नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे लेटेस्ट अपडेट आपके सबसे पहले आए। तो गाइस बाय बाय, स्टे ट्यून, राइड सेफ।